मातरम जो भी लड़ाई लड़ी टेररिज्म के खिलाफ जो जंग अभी जारी है और जिंदगी बोनस की है, 14 बार अटैक हुए, 70 बेगुनाह लोग मेरे जवान मेरे साथ शहीद हो गए, मैं उसमें बच गया। मैं जीवन को कभी लंबा नहीं समझता, जीवन बोनस है और ये मातृभूमि के लिए बचा हुआ जीवन, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, बच्चों को बचाने के लिए हमेशा मातृभूमि के चरणों में हमेशा निछावर करने के लिए तैयार रहेगा। कुर्बानी तो दी है सबसे बड़ी, कांगसा अभी आए, रुखसाना आई, 26/11 के शहीद आए, सलादकर जी, ओबले जी, इन्होंने कुर्बानी दी है। मैं अवार्ड लेने नहीं कहीं जाता हूँ, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, ना कुर्बानी है ना त्याग है, ये मातृभूमि के लिए एक सेवा है। अवार्ड तो उनको दिए जाते हैं जो सलादकर जी जैसे, करकरे जैसे, पार्लियामेंट के शहीद, कंग जैसे, जिन्होंने कितने बेगुनाह लोगों को बचा दिया, वो इस अवार्ड के हकदार हैं। एक वो माँ है भारत माँ, जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को अपने आंचल में समा के रखती है। दूसरी माँ जो हमें पेट से जन्म देती है। तीसरी वो माँ मदर टेरेसा, जिन्होंने बच्चों को मजलूमों को सहारा दिया। और उनके नाम के ऊपर आज मैं अवार्ड लेने आया हूँ। मैं अवार्ड लेने कहीं नहीं जाता। एक अवार्ड मिला था, प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी ने दिया था, उस अवार्ड का नाम था जिंदा शहीद। अब वो कहाँ पड़ा है मुझे मालूम नहीं, पर आज जो मदर टेरेसा अवार्ड दिया जा रहा है, इस अवार्ड को और वो अवार्ड को, दोनों को हमेशा सजा के रखूँगा, क्योंकि ये उस माँ का अवार्ड है, मदर टेरेसा, जिसको दुनिया पूछती है, और उनको सल्यूट करता हूँ। आखिर में यही कहना चाहूँगा, हे भारत माँ, तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो साथ चढ़ाने आए हैं, ये जान हथेली पर रख कर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है काफन का टुकड़ा जेबों में, कुछ कर दिखलाने आए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।